नमस्कार, राइजर्स में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। धनबाद जिले की निरसा विधानसभा की उत्तर पंचायत के जिला परिषद सदस्य मिथुन रोहिदास आज पांडा पश्चिम के लक्ष्मीनगर गांव के लोगों के लिए मसीहा बनकर आए। मिथुन रोहिदास ने आज उनका वर्षों पुराना सड़क का सपना साकार कर दिया, वरना उन्हें रोज ढेरों मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। बरसात के दिनों में तो हालात और भी बदतर हो जाते। आज जब मिथुन रोहिदास ने नारियल फोड़कर सड़क का शिलान्यास किया और जैसे ही सड़क की ढलाई का काम शुरू हुआ, स्थानीय लोगों की बाँछें खिल गईं, मानो आज उनकी बरसों की मुराद पूरी हो गई हो। तो अभी हम क्या बताएं, अभी तो बरसात है नहीं। बरसात के समय इतना इस रोड में पानी आता था, कच्चा था, तो हम लोग को घर बनाए है बहुत प्रॉब्लम आती थी कि मैंने घुटना घुटना पानी रहता। फिर मिथुन जी से हमने संपर्क किए कि मिथुन जी थोड़े मैंने यहाँ के निरसा के अच्छा एक जिला परिषद है, जो उनसे वार्तालाप हुई कि सर आप कुछ हमको रोड दीजिए, तो उनके सहयोग से आज 300 फुट का ढलाई हुआ है। हम बहुत उनको धन्यवाद कहते हैं और हम हमेशा इनका कार्य रहे ऐसे करते आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। लक्ष्मीनगर गांव के लोगों ने इस सड़क के निर्माण के लिए कहां कहां दस्तक नहीं दी, हर जगह से केवल कोरे आश्वासन ही मिले। लेकिन जब लक्ष्मीनगर के लोग जिला परिषद सदस्य मिथुन रोहिदास के पास पहुंचे, तो उन्होंने अपने जिला परिषद मत से सड़क के लिए फंड मुहैया करवा दिया। सबसे पहले हम ये जो लक्ष्मी नगर नया बना है, इसमें ऐसा स्थिति था कि यहाँ पर बरसात के टाइम में एकदम रोड नहीं था। इस कारण से हम बहुत बार आए हैं सुखबीर जी के घर, हमको भी बड़ी खराब लगा था। तो इस जगह को देखे कि यहाँ पर रोड की बहुत आवश्यकता है, इसलिए हम यहाँ पर 300 फीट रोड जिला परिषद मत से दिए हैं। यहाँ पर जो अभी बात कर लीजिए, हर जगह से आदमी आके बैठ रहा है, दूर दराज से घर बना रहा है, यहाँ आए, यहाँ पर भी देखे कि जो दूर क्षेत्र से आते हैं, यहाँ पर भी पंचायत प्रतिनिधि जिला परिषद काम कर रहे कि नहीं कर रहे, इसलिए हम असुविधा देखते हुए यहाँ पर 300 फीट रोड करवाए। और आए दिन जो भी बाकी है, अगर ऐसा मौका मिलता है, अगर इन लोगों का सहयोग आशीर्वाद रहेगा, तो ये भी रोड हम पूरा कर देंगे। निरसा विधानसभा की उत्तर पंचायत से जिला परिषद सदस्य मिथुन रोहिदास का नाम आज क्षेत्र में विकास पुरुष के रूप में लिया जाने लगा है। ऐसा हो भी क्यों ना, उन्होंने क्षेत्र में एक के बाद एक विकास के काम करके क्षेत्रवासियों का दिल जो जीत लिया है। एराइज न्यूज के लिए निरसा विधानसभा के लक्ष्मीनगर से पवन मोदी की लाइव रिपोर्ट।